कौन हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। ओए रानी, मैंने पास बता दो कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हो। वैलेंटाइंस डे के दिन प्रभास ने कैसे अपने फैंस को खुश करके रख दिया है, कैसा है राधे श्याम का टीजर और खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जियाल। फाइनली प्रभास की जो मोस्ट अवेटेड फिल्म है राधे श्याम, उसका टीजर रिलीज हो चुका है दोस्तों। और ये खास दिन चुना गया है, यानी कि वैलेंटाइंस डे आज है और आज सभी अपने प्यार करने वालों को गिफ्ट देते हैं, प्यार की बातें करते हैं। वैसे साल भर ही प्यार का दिन होता है, लेकिन ये दिन चुना गया क्योंकि ये एक प्यार की महाकाव्यात्मक कहानी है और इस दिन को इसीलिए चुना गया, इसीलिए टीजर रिलीज किया गया जो कि जमकर ट्रेंड कर रहा है। इस बार सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं हैशटैग वैलेंटाइंस विद आरएस के हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। इसके साथ फैंस प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म की इस टीजर पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रभास के इस लुक को बहुत सराहा जा रहा है क्योंकि प्रभास बहुत टाइम बाद अपने रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस टीजर के जारी होने के साथ फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है, 30 जुलाई 2021 का वो दिन होगा जब ये फिल्म हमें सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएगी और ये फ्रेश जोड़ी दिखेगी। वहीं आपको बता दें, प्रभास के ड्रीमी पोस्टर के बाद फैंस को इस टीजर का बेसब्री से इंतजार था। टीजर में एक और जहां प्रभास बहुत ज्यादा डैशिंग नजर आ रहे हैं, वहीं पूजा भी खूबसूरती पर सबको मात देती हुई नजर आ रही है। पूजा हेगड़े वाकई बहुत सुंदर लग रही है, उनका ब्लू कलर का ड्रेस है, फूल बने हुए उसमें फ्लोरल प्रिंट है और साथ ही उनके हेयर स्टाइल वाकई काबिले तारीफ है। राधे श्याम के टीजर की शुरुआत की बात करें तो एक ट्रेन और रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है। इसके बाद पूजा प्रभास से पूछती है, अपने आप को क्या रोमियो समझते हो? इस पर प्रभास जवाब देते हुए कहते हैं, उसने प्यार के लिए अपनी जान दे दी थी, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। बता दें कि फैंस इस टीजर को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं। राधे श्याम को इस दशक की सबसे बड़ी प्रेम कहानी बताया जा रहा है दोस्तों, और इसीलिए मोशन पोस्टर में भी आपने देखा होगा हीरा अंजार, रैला मजनू और इन सब को दिखाया गया। उसके बाद राधे श्याम की एंट्री हुई तो वाकई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत टाइम बाद ऐसी रोमांटिक फिल्म हमें देखने को मिलेगी। भाग्यश्री भी बहुत बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगी क्योंकि बहुत पसंद किया जाता था उन्हें, और सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी तो आप जानते ही हैं, तो बहुत टाइम बाद वो फिल्मों में कमबैक करे भी प्रभास के साथ प्रभास की फिल्म में, तो वो काबिल तारीफ होने वाली है। और प्रभास की भाग्यश्री ने जमकर तारीफें भी की थी कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं प्रभास के साथ काम करने के लिए। फिलहाल दोस्तों, आप इस महाकाव्यात्मक कहानी को देखने का कितना इंतजार कर रहे हैं? ये टीजर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।